ए मालिक, तुमने कितने शुमार किए? 800। अच्छी तरह गिने। मैंने भी पूरे 800 गिने हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हैं, ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा। कितने गिने हैं? 199। 199। वावेला ना करो। अब वावेला क्यों ना करूं? लश्कर में मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, वो भी गिनती करेंगे, और तुम्हें मालूम है कि तादाद मुकम्मल नहीं है। शायद तुमसे गिनने में गलती हुई हो। मालिक, कैसी गलती? मुझे और तुम्हें इस तादाद पर यकीन है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था 1000 आदमी, जबकि यहाँ 999 मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन पर मेरा ईमान ऐसा नहीं जो जरा सी बात पर डगमगाने लगे। और मैंने अमीरुल मोमिनीन से ऐसे अजायबात देखे हैं जिसे मैं और तुम गिनवाना शुरू करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ ऐ मालिक। अलबत्ता एक फर्क है कि मेरी छठी हिस्स मुझे मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मनों के वजूद का एहसास दिलाती है। मैं अल्लाह से इस गलती के दरगुजर करने की दुआ करता हूँ। तुम कहते हो कि मेरी बात दकीक नहीं होती। आप जानते हैं हमारे गिर्द काफी मुनाफिकीन हैं, तो मुझे खौफ है कि वो बातें बनाएंगे। वो देखो इब्ने अब्बास, हमारा मुखलिस मुहिब आ रहा है। मैं उसी का मुंतजर हूं। उसके आने से तुम्हारी तादाद भी मुकम्मल हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस, अवैसे करनी मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया, ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी,
मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ऐ मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, मुझे कोई थकावट नहीं, आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ऐ मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला, उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ऐ खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोजे गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ऐ अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो, और फरमाया, जिस जिस का मैं मौला हूं उस उसका अली मौला है, इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा, हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है, वो रोज मेरे लिए वहां से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। ऐ नेक आदमी, मुझे बताओ कि तुम्हारा ये सरदार कौन है, नबी है या नबी का वसी है? ये नबी का वसी है। नाम, इसका नाम क्या है? अली। अली, इलियास, इलिया, इलिया। अली। अबरानी जबान में इलिया है। तुम्हें कहाँ जाना है? जंग के लिए। जंग के लिए? किसके साथ जंग है? शामी लश्कर के साथ। ये बताओ, शाम का हाकिम कौन है? मुआविया। मुआविया? क्या आप नबी के वसी हैं? तुमने ठीक कहा नसरानी, मैं खत्मुल अंबिया का वसी हूं। मेरे अबाओ अजदाद काफी अरसा इस बुर्ज में आज के दिन का इंतजार करते रहे ताकि आप जैसा कोई शख्स आए और इस चश्मे को तलाश करते। मेरे तमाम अबाओ अजदाद फोत हो गए, किसी को इस चश्मे का पता नहीं चल सका। ये लो देखें, ईसा मसीह के हवारियों में से एक ने इस लो में इशारा किया है कि जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा यहाँ पोशीदा है। इस चश्मे की जगह को सिवाय नबी के या उसके वसी के अलावा कोई नहीं जानता है। तुम में से जिसने ये चश्मा तलाश किया है, हम बगैर तरद्दुद के उस पर ईमान लाते हैं और जंग में हम सब उसके हमरकाब होंगे।